और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि खान साहब का जो बयानिया था वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। खान साहब जो कह रहे थे कि ये साजिश के तहत हो रहा है, तो आप खुद देख ले कि अब जिस तरह पंजाब में माशाल्लाह से बड़ी सक्सेसफुल रही हमारी पीटीआई, इस तरह सिंध कराची में भी बहुत अच्छा क्लीन स्वीप कर लेती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मगर जानबूझकर सबोताज करने में आ रहा है। और इसकी खास वजह यही है कि वो ये लोग डर गए हैं अब कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में क्लीन स्वीप किया, इस तरह से कराची में भी कर सकती है, तो सारे इदारे इनके हाथ से चले जाएंगे। तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस ज़िमनी इंतखाबात को सबोताज करने के लिए इन्होंने ये सारी साजिश रचाई है। बिल्कुल एग्जैक्टली 100% यही चीज़ है, मैंने आपसे यही दोबारा रिमाइंड करवा रही हूँ आपको कि देखें जिस तरीके से तमाम पार्टीज एक हो गई हैं पीडीएम, उनको अपनी जो है नाकामी का एहसास होने लगा है, वो अपनी नाकामी से खौफजदा हैं, इस वजह से उन्होंने ये जानबूझकर बारिश की चीज़ें ये सारी झूठी चीज़ें रचाई हुई हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये सब झूठे बहाने और कुछ भी नहीं, उनको अपनी शिकस्त सामने नज़र आ रही है, इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़मीनी इंतखाब का जो प्रोग्राम है उसको सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं।